हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइव टेक एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। फ्रेंड, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए आईटीआई और के फिटर और प्लम्बर विद्यार्थियों को नियमित पैटर्न पे आपको पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, एज ए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना। और आपको अप्रेंटिसशिप और कैजुअल जॉब और परमानेंट जॉब की जानकारी भी देता रहता हूँ, ठीक है। चलते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर आप लाइक कर दीजिए और आईटीआई फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कर जरूर बता दीजिए कैसे क्या आपके हालचाल हैं और कैसे कि आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। चलते हैं वीडियो तरफ, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आजकल मैंने सुना है आईटीआई के रूल्स जो होते हैं अप्रेंटिस के सब चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है आपको 1,500 रुपये काट के मिल रही है स्टाइपेंड, तो ये सब बहुत बच्चों के हित में नहीं हो रहा है, ठीक है। सरकार को ये सब बात सोचना चाहिए। वैसे भी जॉब देते नहीं, अप्रेंटिसशिप निकालते रहते हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें, ठीक है। ये सब किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चले चलते हैं अपने आज के वीडियो तरफ, जो मैं आपके लिए परमानेंट जॉब लेके आया हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, ये आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, परमानेंट जॉब निकली फ्रेंड, ठीक है। एक मिनट भैया, ठीक है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड ए नवतन कंपनी है, इंडिया की परमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है। इसी में वैकेंसी निकली हुई है, ये देखिए लिखा है आपका परमानेंट बेसिस, ठीक है। तो इसमें आपकी आईटीआई की टेक्निशियन की पोस्ट निकली है, ठीक है। इसके लिए आपका आईटीआई और प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इस पॉइंट के लिए आप ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। और 28 ईयर्स का आपका एज होनी चाहिए। 2 टेट कोर्स में दे रखा है कि फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले और फिटर वाले, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 4 है और फिटर में 6 है, ठीक है। इसमें ये फंड दे रखा है जो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कहीं से भी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई है, फ़ायदा नहीं फंड। कहीं से भी आप भर देंगे तो कोई भी आपको वेटेज नहीं मिलेगा। जो मोस्टली चेन्नई लड़के हैं वही इसको फॉर्म भरेंगे तो ठीक है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु साइड के लड़के हैं फ्रेंड, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि यह डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है। बेसिकली जो है हैवी मोटर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क पर ये काम करते हैं, प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, चलते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, टेक्निकली तो ग्रेड के लिए आपको हाई स्कूल तो होना ही होना चाहिए, इंटर होना चाहिए जिसे SSLC कहते हैं, आईटीआई होना चाहिए और यूनिवर्सिटी टेट में आपका आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनिमम एज 18 ईयर्स to 28 ईयर्स दिए, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, देखिए ड्राइवर एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, इसमें आप जो है आईटीआई हो, अप्रेंटिसशिप आप कर रखे हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और देन आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पे अलाउंस आपको जो गवर्नमेंट मिलते हैं सरकारी भत्ते, वो सारे आपको दिए जाएंगे, ठीक है, एज ए रेट 30% है। आपका जो है फॉर्म 7 तारीख 2023 से स्टार्ट हो गया है और अगले महीने 8 तारीख 8वें महीने 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो बिफोर अप्लाई लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मैम। बहुत अच्छा मुद्दा है, ठीक है। जो आप कर रखे हैं लड़के, वो घर में बैठे रहते हैं, कैजुअल काम करते हैं, कैजुअल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो तैयारी अभी कंप्लीट करके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है मैम। तो जनरल आपका जनरल ओबीसी के लिए कुछ फीस भी है फॉर्म भरने की, 295 रुपये, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, है ना। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पॉइंट इसमें है, जल्दी जल्दी आपको सब बता देता हूँ मैं। 1 मिनट फ्रेंड, ये आपकी द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इज 8/8/2023, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे जो है इसको भर सकते हैं। इसको भरने के लिए फ्रेंड, इसको अप्लाई करने के लिए, एक मिनट, है ना, अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा इसका ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज से यही बता देता हूँ आपको कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि लड़के जो है
नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि भरने का मालूम नहीं रहता मेरे को, इसलिए मैंने सोचा ये भी करना सही है। ठीक है, तो बेल की आप साइट खोलेंगे तो आपको सामने ये आ जाएगा, तो इसमें आप क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। ये देखिए नीचे आपको दे रखा है यहाँ पर सील नंबर 1 पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन सी क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर टेक्नीशियन चेन्नई यूनिट का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला करेंगे तो मेडिसिन हो जाएगा, दूसरा करेंगे तो आपका अप्लाई खुल जाएगा भरने के लिए। देखिए बॉक्स वाइज आपको दे रखा है कि आप किस में भर सकते हैं, तो ये टेक्नीशियन सी का है, इसको खोलेंगे। ये देखिए आपको एक नहीं करके रिफ्रेशर फ्रेश कैंडिडेट, जो फ्रेश कैंडिडेट मतलब अभी आई टी आई पर कर लेंगे उनके लिए है, तो आप ऐसे साइट पर जाके भर दीजिएगा। ठीक है, मोस्टली पूछने वाले के इस फॉर्म को जरूर भरें जो चेन्नई तमिलनाडु साइट के हैं, ठीक स्टेट के हैं। ठीक है फ्रेंड, और बाकी अदर स्टेट के ना भरें, ठीक है ना भरें तभी ठीक है, वरना बच्चों का मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो मेरे यहाँ इस जो है वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा और मोस्टली बच्चों को ट्रांसफर कीजिएगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।